अरे सोनिया रागनी। हाँ बहन, बड़े दिनों में दिखाई दे रही है, आजकल कहाँ रह रही है तू? कहाँ क्या, घर पे ही रह रही हूँ। अब बड़ी कमजोर सी दिखाई दे रही है, आखिर में कोई टेंशन है क्या? टेंशन क्या बताऊँ, इतनी बड़ी टेंशन है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। क्या बात हो गई? मेरे जो हस्बैंड हैं, उन ना तो कोई काम करते हैं ना कुछ करते हैं। काम के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि काम मिल ही नहीं रहा है, पता मैं क्या करूं। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, काम के लिए जाते हैं कि नहीं जाते, कि घर पे बात बना देते हैं, बता। हे भगवान, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है तेरे साथ। तो इसीलिए वजह से मैं टेंशन ही टेंशन ले रही हूँ। मैंने इनका काम बहन, तेरे घर में राशन पानी कहाँ से आता जब कोई काम धंधा नहीं करता? खाते पीते कहाँ से हो? खाते पीते, अरे जो है वो ही खा रहे हैं, क्या करें, कभी कभी तो भूखे सो जाते हैं। अरे अरे बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है तो मेरे पास आ जाया कर। पर देख बहन, रोज रोज तो कोई नहीं देगा, करना तो फिर देगा अपने अपने घर में ही करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो बड़ी समस्या है तेरे साथ। समस्या बहुत बड़ी समस्या है, मैं क्या बताऊं। अब देखो, अब गए हैं काम के तलाश में, मैं कह रही हूँ भगवान से दुआ मना रही हूँ मिल जाए। अब ये भी तो नहीं पता है, काम ही देखने जाते हैं कि कहीं दोस्तन में लग जाते हैं। अब पता चले ये, मैं तो उनके पीछे घूमती नहीं हूँ, कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं तो जो है थोड़ा ना घूम के आई थी, गांव का एक चक्कर लगा के जरूर आती हूँ मैं। अच्छा। देखती हूँ आखिर में लोगों घर में क्या हो रहा है, देखना जरूरी होता है। अच्छा। हर घर की खबर लेना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा मेरा तो वो बन गया है, आखिर में कौन परेशान है कौन क्या है। देख तू तो जानती है मैं इस गाँव की भलाई चाहती हूँ, जानती है, और मैं किसी के घर के मामले में बोलती नहीं, अब चाहे कोई कुछ भी कहे। तू तो जानती है मुझे, मैं कैसी हूँ, मैं सब जानती हूँ, हाँ है कि नहीं? एक एक गांव की पूरी खबर ला के दे देते हो। हाँ, वो ही चीज तो, तू तो आगे बहुत ही ज्यादा समझदार है, अब मैं तुझसे क्या कहूँ। पर एक जो भी बात है, कमजोर तो बहुत होगी लेकिन सुंदर तू अभी भी लगती है, जो भी बात है। कोई बात नहीं है, जाऊंगी दोबारा। तू दोबारा से मोटी हो जाइयो, कोई बात नहीं। अरे खाया पिया कर। अरे खाती तो हूँ पर लगता ही नहीं है शरीर में, ये भी तो बात है। दूध भी पीती हूँ, जूस भी पीती हूँ, खाना भी टाइम से खाती है। रियल जूस पिया कर। तो अगर नकली पीती आम खा, रियल जूस, नकली नहीं, रियल जूस आता है, रियल जूस का डिब्बा आता है पागल। अच्छा, वो वाला। हाँ, वो वाला। और आम खाया कर। हाँ। आम खाया कर, वजन बढ़ जाएगा आम से, मुझे देख तू आम खाया कर। मैंने तो, मैंने तो सुना है कि अनार का ज्यादा अच्छा रहता है। अनार का तो खून बढ़ाता है। हाँ। अब तेरे अंदर खून की कमी होगी तो अनार का पी लियो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। पर चल देखती हूँ, मैंने थोड़ा ना घेर की तरफ जा रही थी, वहाँ जो दो चार औरतें खड़ी, मैं देखूँ क्या बात कर रही है। चल तू जा, पर मुझे क्या तेरे घर का मामला है, कोई बात ठीक है ना? चल ठीक है। सपना समझ के भूल जा। अरे इसे नीचे कर ले, पकड़े था हाथ में, ये बहुत इतराता है तू। इधर कहाँ जा रहा है? काम से जा रहा हूँ, तुमसे मतलब है? ओहो, हमसे मतलब है तभी तो हम रुके हैं। हैं? तो चश्मा उतार दिया, बाल खराब कर दिए। ओ तेरे बालों में कहीं ना तू हेयर रोल करवा के आया? क्या है बात, क्या है बात बताओ, आज तुम्हें रोका क्यों? तुमने पहली बार रोका इसलिए, बता तू इधर कहाँ जा रहा है? अपने काम से जा रहा हूँ, तुम्हें बता के जाऊँ कहाँ जा रहा हूँ? इधर तेरा क्या काम है? क्यों इधर मेरा कोई काम नहीं हो सकता, ये मैं गाँव का नागरिक नहीं हूँ। नागरिक, एक कोनी मार दी ना तो बीच में से टूट जाएगा। क्या बात है, अब काम बताओ। तक सारा गांव जानता है मुझे किसी के मामले में बोलने को कोई इंटरेस्ट नहीं। सबको पता, ये बात तुमने सही कही है, सबको पता है कि तुम कितना बोलती हो। जो भी बात है ठीक है, तू कहना क्या चाह रहा है? मैं ये कहता हूँ तुम्हें फालतू की बातों से मतलब क्या है, कोई कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों? अरे मतलब क्यों नहीं है भाई, हमारे गाँव में कल 19-20 कोई बात हो गई, ऊंच नीच कोई कटा दी तो हे भगवान, मेरा तो निकलना दुश्वार हो जाएगा। क्यों निकलती हो, क्यों अपने वजन, क्यों अपने शरीर के वजन से इस धरती को नीचे धकेल रही हो? क्यों निकलूं क्यों ना? अरे एक बात बता, मैं इस गांव में, देख मैंने अपने पति से ले लिया डिवोर्स, मैं यहाँ पे रहती हूँ। अब मैं ये देखती हूँ इस गांव में कौन ऊंच नीच कर रहा है, कौन है अपना घर तो संभालना नहीं गया, दूसरे के घर की ऊंच नीच देखती घूम रही हो। अपना घर जी तो संभाल रही हूँ बेवकूफ। पर मुझे तो ये बता कि तू तो इधर क्यों जा रहा है? इधर मैं इसलिए जा रहा था, मैंने स्टूडियो खोल लिया है आगे। काय का? फिल्म बनाने का स्टूडियो। तू फिल्म बनाएगा? और क्या, अरे बॉलीवुड में क्या मर गए सारे हीरो हीरोइन जो तू बनाएगा? नहीं, हम बनाते हैं, जैसे हरियाणवी मूवी नहीं देखी तुमने? आहा, उसी टाइप की मूवी हम बना रहे हैं आज। अरे क्यों इस गांव के लोगों को बिगाड़ना चाह रहा है? मैं यहाँ पे हीरो हीरोइन ढूंढ रहा हूँ और तुम्हें पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही है। देख सुन, मेरे होते हुए तो ये स्टूडियो नहीं चलाने दूंगी। तुम भी हीरो बन सकती हो। और तू सुन, तू मेरी बात कर रहा है ना, हीरोइन तो मैं हूँ, तू बात छोड़। हाँ आज भी तेरे पीछे, तेरे जैसे ना आगे
पीछे भागते हैं मेरे यार। तुम तो भाग नहीं पाती होगी उनसे आगे है? शरीर के हिसाब से नहीं, मैं क्यों भागू जब लोग ही मेरे पीछे भागते तो मैं क्यों भागू ये बता जा रहा। मैं जाऊं, मुझे आगे अपना काम भी देखना है। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, समझ में आ गई ना? और तू क्या कह रहा था, अपना ससुराल छोड़े पड़ी हो ऐसे जुआरी कबाड़ी के लिए मैं रहती? इससे अच्छा मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने गाँव चलू, क्यों ना मैं लोगों की रोटियां तोड़ूं आगे घर जाके, क्यों ना मैं लोगों की सेवा करूं। मैं ये देखूं आखिर में क्या घटना हो रही है मेरे गांव। घटना नहीं हो रही, उसे घटना नहीं कहते, उसे देखना नहीं कहते, उसे चुगलखोरी कहते हैं। अच्छा हाँ, चुगलखोरी कहते हैं। तो कि इसके घर की बात उसके घर पहुंचा दी और उसके घर की बात इसके घर पहुंचा दी। मैं तेरे जैसे छिछोरों के लिए ही आई हूँ इस गाँव में, ठीक है? तो मैंने क्या तुम्हें छेड़ दिया या तुम्हारी बहन को छेड़ दिया या किसी को छेड़ दिया? मेरी बहन होगी तब छेड़ेगा ना, मैं अकेली हुई यार। तो तुम हाथ कम चलाया करो, मालूम है तुम्हारे शरीर को देख के मेरे लग जाती है, मैं कमजोर सा आदमी हूँ। देख सुन, काम कर रहा कर, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तरीके से गांव के वो क्या कहते औरतों पे आदमियों पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तेरे काम को लेके। कल को 19-20 बात हो गई भैया, मुझे इस गाँव में प्रधानी लड़नी है, चुनाव में खड़ा होना है। नाली बनवाऊंगी गाँव की, अरे नाली बनवाऊंगी, सड़कें बनवाऊंगी, पहले मुझे चुनाव में जीतने तो दे। चुनाव चिन्ह तुम्हें मालूम है क्या मिलेगा यहाँ पे? क्या मिलेगा? भैंस का गोबर। चल पागल से, लेकिन ठीक है अब तू जो काम करा कर ले, लेकिन एक बात बताऊँ, वोट तो मुझे ही देना। हाँ दूंगा वोट, अब मैं जाऊँ? हाँ हाँ जा, ठीक है। बाल खराब। और सुन, जो तेरे हीरो हीरो ना उनसे भी कह दियो मुझे ही वोट दे। अब जाओ। ठीक है चल। अरे मुखिया जी, राम राम। राम राम बेटी, राम राम, खुश रहो। कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ बेटी। ये फट रही है तुम्हारी सिम्मा, हेलो कपड़ा फट रहा है तुम्हारे? अरे मैं टेलर के पास ही तो जा रहा था। अच्छा अच्छा, घर आ जाइए, मशीन मेरे पास है, मैं सिल दूंगी, अब तो ये ऐसे ही अच्छी लग रही है। चलो ठीक है, और बताओ। तो तुझे मजाक कुछ ज्यादा सूझ रहा है? अरे ना ना ना, और बताओ इधर से कहाँ से आ रहे हो? मैं इधर से घूम फिर के आ रहा हूँ। तुम भी घूम फिरना जानते हो? चलो अच्छा। बड़े बूढ़ों के लिए तो सुबह सुबह घूमना अच्छा लगता है। बिल्कुल। टीक दोपहर में कहाँ घूम रहे हो तुम? अरे हम इधर इर्द गिर्द जाते रहते हैं, तू कहाँ घूम रही है ये बता। मैं इधर ने थोड़ा आ रही थी ना, किसी के घर गई थी मैं, लड़ाई झगड़ा सा हो रहा था, उसे सुलह करवा के आई हूँ मैं। अरे कहाँ गई थी? अरे हमारे पीछे पड़ोसी है ना, पीछे घर जो है हाँ। उनके घर में वो मारपीट सी हो रही थी। अच्छा हाँ, अच्छा तो मैं थोड़ा गई ही उनके वहाँ, सुलह करवा के आई हूँ। तो देखो कल को मैं प्रधान बन गई तो फिर भी तो मुझे ये चीज करनी पड़ेगी ताकि प्रैक्टिस पहले से ही ना कर दूँ। प्रधान? अरे मैं प्रधानी के वोट इलेक्शन में खड़ी हो जाऊंगी। कितने थोड़े से दिनों की बात हो रही है। हिसाब से तू चुनाव लड़ रही है और प्रधान बनेगी? बिल्कुल है, और क्या। चलो ये तो हमारे गाँव का नाम रोशन होगा भाई, रोशन होगा। और दूसरा नंबर ये बता, क्या तू अपने ससुराल क्यों नहीं आ रही? ससुराल? ससुराल से तो मैं रिश्ता ही खत्म करी आई। जुआरी कवाड़ी साला कमाता ही नहीं। बिल्कुल नहीं कमाता नहीं, मैं तो डिवोर्स देके अपने घर आ गई, गांव की सेवा करूंगी और अब जो है मैं प्रधान बन जाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं और पदवी पे बैठ जाऊंगी, कुर्सी मिल जाएगी मुझे। अच्छा है कि नहीं? हाँ। अब मुझे गांव की सेवा करनी, छिछोरों को तो मैं जरूर पकड़वा के रहूंगी भाई। बहुत बढ़िया, ये अभी वो जो है ना वो उसका जो लड़का है उसका राम प्रसाद का लड़का, राम प्रसाद का जो लड़का है विवेक, वो अभी आ रहा था इधर से, वो कह रहा है मैंने स्टूडियो खोल रखा है। फिर वो हीरो हीरोइन का मैंने कहा मैंने की काम है काम के तरीके से करियो, लेकिन अगर एक भी लड़का लड़की या बच्चा या गांव का बिगड़ा ना तो तुझे गांव से बाहर करवा दूंगी। और वैसे भी मैं ठीक है टटवा ने स्टूडियो खोल लिया। अरे हाँ हाँ, और हमें कानों कान खबर नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल भी खबर नहीं हुई। इसके गट्टे चटकाऊंगा मैं। अरे अभी जा, मुझे ना थोड़ा प्रधान तो बन जाने दो, उस पे से वोट भी तो ले ले। हाँ तू प्रधान बन, मुझे ही वोट देना, मैं तुझे ये दूंगा। तू मुझे बात भूलियो बात। अरे क्यों भूलूंगी मैं, एक बात बताओ, पहली बात तो ये मैं क्यों भूलूंगी, तुम्हारे जैसे 10-50-60 बुड्ढे और इकट्ठे कर लेना, ठीक है? हाँ अरे अभी तो वरना जब मैं कुर्सी पे बैठ जाऊँ ना तब डांस करना बढ़िया तरीके से। ठीक है ठीक है बेटी, मैं ठीक है, चल रहा हूँ। राम 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 राम, ठीक है। अरे वाह, ये कौन है नया, एकदम नई लड़की इस गांव में, और वो भी इतनी कातिल, मेरा पता तो किया जाए कौन है ये। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अरे इतनी दूर क्यों खड़ी है, यहाँ आइए। मैं ये कह रहा हूँ भाभी जी, आपको पहली बार देखा है यहाँ पे।
आती हूँ तुमसे, मतलब पहली बार देखा मतलब है, मतलब कोई नहीं है, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि मतलब किसी नए इंसान को पहली बार देखा है तो पूछना तो बनता है भाई, किसके घर से हो, कैसे हो, कहाँ से हो आप। वैसे इतनी जानकारी क्यों, और वैसे तुम्हें मतलब क्या है कि मैं कैसे हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे नहीं हूँ। भाभी जी आप तो मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं, मैंने तो इतनी खूबसूरत लेडीज पहली बार देखी। और सुनिए मैं पिक्चर बनाता हूँ, यहाँ पास ही में मेरा स्टूडियो है, अगर आप चाहें तो मैं आपको रातों रात हीरोइन बना सकता हूँ। अरे हमें नहीं करना है पिक्चरों में काम, ठीक है ना। वैसे आप यहाँ कहाँ रहती हैं? यहाँ कहाँ, यहीं पास, तुम्हें क्यों बताऊँ मैं? मैं तो ऐसी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा था। क्यों, मेरे घर पे आना है क्या? अरे नहीं भाभी जी आप तो गलत तो मतलब निकाल रही हैं। अब वैसे आपके हस्बैंड कौन है? मेरे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड बिट्टू हैं। बिट्टू कहीं वो तो नहीं जो लंबे से हैं? हाँ हाँ हाँ, सांवले से मूंछ हैं। ठीक है, आप उनकी बीवी हैं जी? क्यों, नहीं नहीं ऐसे ही पूछ लिया, नसीब खुल गए उनके तो। चलिए ठीक है भाभी जी, मुलाकात होती रहेगी। बात कर रहे हो, बिट्टू की बीवी और इतनी सुंदर, अब तो बात आगे बढ़ानी ही पड़ेगी। अरे ताऊजी नमस्ते। राम 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 लाला राम राम। और ताऊजी किधर से आ रहे हैं? किधर से आ रहे हैं, मैं तो इधर से आ रहा हूँ। और बताइए ताऊजी। बढ़िया एकदम। एक बात बता, दो पूछिए। अब क्या काम खोल लिया है तुमने? मैंने स्टूडियो खोल लिया ताऊजी। स्टूडियो? जी। अच्छा किस चीज का स्टूडियो? अरे भैंस पॉय पले दिखे वहां में, तबेला कहते हैं उसे ताऊजी। तबेला? तो तबेला ही खोल रखा है। तबेला नहीं, मैंने स्टूडियो खोल रखा है। स्टूडियो का मतलब जानते हैं आप? पिक्चर बनती है हमारे यहाँ, हम नए नए लोगों को ले जाके वहाँ पे भर्ती करते हैं और उनको हम हीरो हीरोइन बनाते हैं ताऊ जी। अरे कहीं तू उसकी बात तो नहीं कर रहा है, वो रंगीन टीवी पे जो चलती बिल्कुल है। बिल्कुल ताऊ जी, वही बिल्कुल ताऊ जी। ऐसा अब तो इंटरनेट का जमाना और है, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं आप हमारी वीडियो। सुन ले मेरी बात जी, गाँव के लोगों को पागल मत बनावे, ये अपने स्टूडियो को उखार और ले जा कहीं दूर। आपने प्राइमस कैसेट का नाम सुना है? सुना है, मैं देखता हूँ। हाँ तो वही कैसेट है मेरी, वो मेरी ही कैसेट है, प्राइमस कैसेट। पर उसमें तो इतने अच्छे अच्छे नाटक आते हैं, तो अच्छे रसिया आते हैं। ऐसे ही नाटक बनाते हैं हम, ऐसे ही रसिया बनाते हैं, उन्हीं के लिए हम वीडियोस तैयार करते हैं। अभी तू तो ये कह रहा था कि मैं मतलब ये बनाऊंगा ये। हाँ हाँ, पिक्चर ही होती है, हम एक एक घंटे की नाटक बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अरे तो प्राइमस वालों की तो बात ही कुछ अलग है भाई। वही प्राइमस, तो प्राइमस में ही तो हूँ मैं। हाँ तो उनके तो मैंने तो काफी चैनल है उनके, तो वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। चैनल है हमारे कुल मिला के। अच्छा 28 चैनल है जी। अब हाँ, मेरी बात सुनिए ताऊ जी। हाँ, अब फालतू की बात तो कीजिए मत, मुझे चलने दीजिए यहाँ से। लप 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 मत करे, अगर मुझे कोई यहाँ पे 360 की कोई भी तब्दीली तेरे साथ पाएगी, मैं तेरे गट्टे चटका दूंगा। सुनना ताऊ जी, देखिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप इस डंडे को नीचे कीजिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ, आप क्यों ना एक बार हमारे यहाँ के ट्राई क्यों नहीं कर लेते रोल के लिए? तसल्ली कर ले, मैं आऊंगा जब। आपको मैं एकदम मुखिया का कैरेक्टर दूंगा। रास्ता ना, आप अपनी इस चश्मे को बदलवा के इसको लगवाऊंगा आपके। बताओ तो जब ऐसे लगोगे आप एकदम हीरो। अबे जा, एक तो बॉडी बॉडी स्मार्ट लगते हो। नहीं जा रहा। अरे जा तो रहा हूँ जल्दी। बिट्टू भैया क्या? हाँ भैया। और बताइए, बढ़िया एकदम? हाँ। अरे बिट्टू भाई, मेरे दिमाग में एक बात घूम रही थी बहुत दिनों से। क्या बात घूम रही? अरे मुझे आपकी वाइफ है ना, हाँ? मैंने नाम वाम तो उनसे बेचारी से पूछा नहीं, वो आपकी वाइफ है ना, वो मुझे मिली थी। कहाँ पर? पानी लेके आ रही थी कहीं से। अच्छा, तो वो मुझे मिली थी। तो मैं कह रहा हूँ, इतनी सुंदर वाइफ है और आप इतने स्मार्ट हो, क्यों ना आप हमारे स्टूडियो में आकर एक बार ऑडिशन दे के क्यों ना उनको हीरोइन बना दूँ मैं। कैसे स्टूडियो? अरे पिक्चर देखी है आपने टीवी में, हॉल में पिक्चर देखने जाते हो? मैं पिक्चर बनाता हूँ, नए लोगों को हीरो हीरोइन बनाता हूँ। अगर आपके मन में हो तो आप अपनी वाइफ को कह के और क्या कहते हैं हमारे स्टूडियो में एक बार लेके आइए, उनको फर्स्ट क्लास हीरोइन बनाऊंगा। ना भैया, मैंने बनवानी वीडियो। क्यों ना? अरे वीडियो थोड़ी, पिक्चर। पिक्चर नहीं देखी आपने? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा, अच्छा। ये पिक्चर वो पिक्चर, ये सब हम ही लोगों के उसमें तो बनती है। मैं तो बिट्टू भाई इसीलिए कह रहा हूँ। भैया फायदा का हो जो तो बताओ। अरे फायदा, फायदा ये पूछिए क्या नहीं होगा। देखिए आप करोड़ों रुपए कमाएंगे। अच्छा, जब इस गांव में आएंगे तो आपका पहना ओढ़ाव चेंज हो जाएगा, जींस की पैंट और शर्ट और बाकायदा चश्मा वश्मा लगा के, जैसे अब मैं घूमता हूँ ना, ऐसे आप घूमा करेंगे। अच्छा हाँ, और बाकायदा कार में से उतरे करेंगे और
लोग आपको देखेंगे कि बिट्टू भाई आ रहे हैं, और जब आपकी वाइफ उतरा करेंगे तो उनके पीछे इर्द गिर्द लोगों की भीड़ लग जाया करेगी ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ के लिए, और अरबों रुपया कमाएंगे और इस गांव से इस गंदगी से निकल जाएंगे, कहीं शहर में अपना 2 BHK का फ्लैट लेके रहेंगे मुंबई। ठीक है तो ठीक है, मैं पूछता हूं ना। पूछ लीजिए आप, पूछ के और मुझे बता दीजिएगा। मैं वो खर्चा वर्चा बता दिया, खर्चा वर्चा तो ना मैं, अरे वो तो बात की बात है, पहले फिलहाल आप पूछ के बताइए। ठीक है मैं चलता हूँ बिट्टू भाई। ठीक है ठीक है। फंस गया मुर्गा जाल में, अब कटेगा ये मुर्गा। इसको नहीं पता कि मेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, इसकी इतनी सुंदर बीवी और ये कहाँ चुमू सा, वो तो मेरी होगी रहेगी। अब बनाऊंगा बेटा हीरोइन, ऐसी हीरोइन बनाऊंगा कि पूरा गांव देखेगा। रागने, ओ रागने। हाँ आज यार हमारे गांव में एक भैया मिले मुको। भैया मिले? कौन से भैया मिले? हमारे गांव में एक स्टूडियो खुल गया है। स्टूडियो? हाँ। अच्छा हाँ, तो पिक्चर बनाएगी तू? मैं ना बना रही पिक्चर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं पिक्चर बनाऊंगी? अरे ना पैसा कमाएंगे दोनों। हम तो मैं नहीं कर रही स्टूडियो में काम, ये पिक्चर मालूम है तुम्हें? पिक्चर क्या होती है, टीवी पे आना। हाँ तो टीवी पे आएगी तो हीरोइन बन जाएगी। अरे मुझे नहीं बनना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो भैया मिले मेरे से कह रहे। भैया मिले तो तुम हर किसी को, हम पैसा वाले बन जाएंगे तो तुम हर किसी को बातों में आ जाओगे? कोई भी कुछ भी बोल दे तो तुम आ जाओगे? ना ना एक बार करके देखते हैं। अरे तो मुझे नहीं करनी। ना ना एक बार करके देखेंगे, है ना? तुम पहले अंदर चलो। चल दो चल। अरे बिट्टू भैया। हाँ भैया। फिर पूछी? हाँ पूछी तो सही यार, क्या वो मना कर रही है यार? मना कर रही? हाँ। क्या कह रही थी? हाँ कह रही हमको ना बनना हीरोइन फिरोइन। तो आप तो समझाना नहीं आया होगा। अरे यार निरी देर समझाओ मैं ना। बिट्टू भैया यही तो बात होती है, तरीके से समझाओगे ना किसी चीज़ को तभी उस किसी के माइंड में आती है। अब आपको अगर परेशानी ना हो तो मैं चलूँ, मैं समझाता हूँ, अगर वो मान जाएंगे तुरंत। चलो तो फिर एक बार देखते हैं। चलो चलो तो कहने से मान जाता बढ़िया बात है। तो भैया बात करके देखे तुम? हाँ बिल्कुल जी। नमस्ते। नमस्ते। अरे कहाँ जा रहा तू? हम तुम्हें पता हमारे गाँव में एक स्टूडियो खुलवा है। कहाँ चल पलंग चलने, कहाँ खुलवा है रे? हमारे गांव में एक स्टूडियो खोलो इन बहन ने। अच्छा समझ गई, या लपका को तो तुम्हें परेशानी क्या है मुझसे? हर समय लपका ये वो, एक तो रास्ते में तुम टांग अड़ा के आ जाती हो। जीजा कह के बात करो। तो मैं तो कह रहा हूँ मुझसे जीजा को, तुम मेरी बातों में टांग क्यों उड़ाती हो? तू चुप रहा, मैं इससे बात कर। हाँ तो कर लो बात। कहाँ जा रहा है तू पहले इसके संग ये बताइयो ना। तो वो पिक्चर बनाने की कह रहे भी है। तू साइड में इधर। अरे अब तू इसे फंसा रहा है अपने संग। क्या फंसा रहा हूँ मैं? क्या बता रहा हूँ मैं? अपना बिजनेस ना देखूं? ओहो बिजनेस सारा इसी से चलेगा तेरा? तो क्या हो गया मतलब? अरे कोई इस गांव से बाहर जाओ, वहाँ चला अपना स्टूडियो। मुझे पता है ना तुम नहीं चाहती हो कि इस गांव का कोई भी आदमी और इस गांव से निकल के और पैसे वाला बन जाए, तो मैं जलन होती है। वो तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। देख तेरी बीवी सुंदर है। अच्छा। और इसकी नजर उस पे है, मैं सही बता रही हूँ। अब वही तेरे हाथ में फैसला है, ठीक है ना? ना जी। हाँ, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुझे। हाँ। अपना दिमाग थोड़ा कम लगाया करो भैया, अगर अपना घर बचाना ना तो इस लपका की बात तू। भाई मैं जाऊँ फिर लौट के? तुम जाओ, तुम जाओ, मैं कर लन दो। अरे आज के भलाई का जमाने बेटा ऐसा लाता घोटेगा ना समेट में वो अपने हाथ में ले। वो तुम जाओ, एक बार मुझे प्रधान बन जाने तेरे जैसे होगी ना तो दुनिया से धक्का मार के पहले बन जाओ देवी। अरे बनूंगी। हाँ देखा है तुम जैसा प्रधान मैंने। यार सिर में दर्द कर दिया। क्या है वो? इससे मैं इतना दूर रहता हूँ, पूरे दिन खाएगी और घूमती रहेगी, खाएगी और घूमती रहेगी, खा खा के भैंस हो रही है, उसके बावजूद भी इसे चैन नहीं है। अच्छा मैं तो ये कहता हूँ ये घूम कैसे लेती है इतना, और इतनी फालतू की बातों में अपना दिमाग कैसे लगा देती? बिट्टू भाई इसकी बातों में कभी जीवन में मत आना तुम। अच्छा। ये घर बिगाड़ने वाली औरत है ये। और हाँ एक और बात है, किसी के घर में अगर किसी के अगर थोड़ी सी भी अगर सुई भी गायब हो गई ना, इसे सबसे पहले मालूम पड़ती है। अच्छा। कि उसके घर में सुई गिर गई है और किस बात पर गिरी और किस बात पर झगड़ा हो रहा है, क्यों खोई है। अपना घर तो बिगाड़ा ही, अब यहाँ आके इस गांव के घरों को बिगाड़ने में लगी पड़ी है। तो इसलिए कहता हूँ कि इससे दूर रहना तुम। ना है ना, छोड़ो यार, हम अपना देखते हैं। रागने, ओ रागने। हाँ। भैया आए स्टूडियो वाले भैया। नमस्ते। जय जय कह रहे हीरोइन बनाने की। एक बात बताओ, मैंने तुमसे मना करी थी ना, फिर भी घर पे ले आए। भैया कह रहे एक बार मैं समझा के देखता हूँ। अरे करोड़पति बन जाओगी आप, और आप में हीरोइन बनने वाली सारी बातें हैं। मैं तो ये कहता हूँ कहाँ इस गांव में पड़ी हो, कहीं बाहर जाके अपना भविष्य देखो, इस गांव में क्या रखा है।
अरे तो मैंने तो रास्ते में मिले थे, मैंने इनसे मना कर दिया जब रास्ता में मिले भैया। अरे बहुत दिन पहले की बात है बिट्टू भाई, पानी लेके आने थी, मैंने आपको बताया तो था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैंने इनको बताया था, पानी लेके आ रही थी उसी दिन की बात है ना। हाँ उसी दिन की बात है, तो मैंने इनसे मना कर दिया, इसलिए तो मैं मना कर रही हूँ। चलो तो एक बार देख लेते हैं करके, कोई दिक्कत तो ना आ रही है। हाँ और देखिए भाभी जी, मैं तो आपको तरीके की बात समझाऊंगा, आप हीरोइन बन जाएंगी, इस गांव से बाहर निकल जाएंगी, इस गांव से बाहर निकलने के बाद एक आलीशान जिंदगी जिएंगी, मुंबई में जाके 2 BHK का फ्लैट ले लेंगी, जब आएंगी यहाँ तो कारों से आएंगी, प्लेन से आएंगी, दिल्ली एयरपोर्ट उतरेंगी, वहाँ से आप कार से सीधे गांव आएंगी, तो एकदम प्रोफेशनल लाइफ हो जाएगी। मुंबई जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा। तो वो खर्चा तो ना आएगा। अरे यार बिट्टू भाई, तुम खर्चे की टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूँ ना, जब मैंने जिम्मेदारी ली है कि मैं हीरोइन बनाऊंगा तो मैं हीरोइन बनाऊंगा, आप क्यों परेशान होते हो। तो मैं तो ये कहता हूँ भाभी जी, इस गाँव को छोड़िए, यहाँ कहाँ इस गांव में फंसी हुई है, इस गांव में रोटियां ही बनाते बनाते आपकी पूरा जीवन गुजर जाएगा। मेरा तो कहना ये, यहाँ से बाहर निकल, बाहर की दुनिया देखिए, दुनिया देख ले रहे हैं क्या है। एक बार मुंबई चली गई ना, सपनों की नगरी है, सपनों का शहर है, आप सोच भी नहीं सकती इतनी खूबसूरत जगह है। पैसा कमाने के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, आपको तो केवल मुंबई जाना है। लोग आप देशों से बाहर जा रहे हैं, इंडिया से बाहर रह रहे हैं। तो मेरा तो कहना ये है, आप केवल एक बार नॉर्मल सा ऑडिशन देके देख लीजिए। नहीं देखो, बाहर ले जाते हैं तो उसमें खर्चा भी बता देते हैं अचानक से, देखो अभी तो तुम खत्म मना कर रहे हो, फिर बाद में आप खर्चा भी बता। आप इस गांव के और आप लोग हमारे अपने हैं, मैं तो ये चाहूंगा कि आपका काम सारा नॉर्मली हो जाए, खर्चा आपका ना बैठे कोई। अच्छा अच्छा, आपके जहाँ तक वहाँ तक ऑडिशन तक का खर्चा मैं उठा लूंगा। फिर क्या करना पड़ेगा जाके लिए? जाके ऑडिशन देना, नॉर्मली कैजुअली बातें करनी है, अपनी इन्फॉर्मेशन बतानी है। ऑडिशन क्या होता है? ऑडिशन होता है भाभी जी, जैसे अपने जैसे एक्टिंग जो करते हैं, एक्टिंग की ऑडिशन देनी है, वो आपको कुछ डायलॉग्स देंगे, उनको आपको रिपीट करना है बस, और आप उसमें पास हो गई तो आपकी लाइफ। करवाओ करवाओ भैया, बिल्कुल करवाओ। तो भैया परसों निकल चलते हैं हम लोग मुंबई, ऑडिशन दिलवा देता हूँ मैं भाभी जी का। उसके बाद से मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे पति संग जाऊंगा भैया, मैं संग जाएंगे। हाँ चलिए, आप भी संग चलना, क्या है, आप संग चलना, ठीक है ठीक है। तो भाभी जी मैं चलता हूँ। अच्छा बिट्टू भाई देख ले रहे हैं करके एक बार। सॉरी लग गया थे, इधर का जा रहा है रे? काम से जा रहा हूँ। तुम कौन हो इस गांव की? वैसे तो मैं इस गांव की शुभचिंतक हूँ। तुम कोई शुभचिंतक नहीं हो, तुम है ना दुखचिंतक हो, जो इस गांव में एक नागिन की तरह आगे बैठ गई है। पर कुछ ही दिनों में मैं प्रधान बन जाऊंगी। मैं तो ये कह रहा हूँ आप प्रधानमंत्री बन जाओ, इस गांव को छोड़ दो। अभी हाथ मत जोड़, हाथ जब जोड़ना जब मैं प्रधान बन जाऊँ। अब मैं जाऊँ? ना ना, पहले मुझे ये बता, रास्ता तो कई लोग जा रहे हैं, लेकिन तू कौन से रास्ते पे जाना पसंद? मैं किस वाले रास्ते पे जा रहा हूँ? ये तो बिट्टू की बहू रहती है इस घर में, तो बिट्टू की बहू रहती है, तो बिट्टू की बहू के पास ही जा रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ, उन्हीं के घर जा रहा हूँ। क्यों, काम है मुझे। उससे क्या काम है तुझे? बहू से काम नहीं है, बिट्टू से काम है भाई। लेकिन बिट्टू तो है नहीं घर पे। बिट्टू को मैंने बिट्टू से मैंने कह दिया था इतने बजे तक आना, बिट्टू आने वाला है, मैं बाहर खड़ा रहूंगा तब तक। चल मुझे भी काम है उसकी बहू से, मैं भी चल रही हूँ। चल दोनों चल रहे, मुझे भी कुछ काम है उससे। तुम्हें क्या काम पड़ गया? मुझे कुछ काम है उससे। अरे यार तुम जाओ ना यार, मुझे अपना काम करने दो ना, तुम क्या फालतू में यार क्यों बीच में टांग अड़ाने, तुम्हारी टांग रखने की आदत जाएगी नहीं जाएगी। अच्छा पहले मुझे बता जा क्यों रहा है? मैं काम से जा रहा हूँ। अपने काम से ही जा रही हूँ। हाँ तो जाओ निकल जाओ। तुम्हें क्यों बताऊँ? मैं पहले मुझे बता, तुम्हें बताऊँ क्यों? मैं तो मैं भी चलूंगी साथ। तो जाओ, तो तुम ही जाओ, मैं जा रहा हूँ फिर वापस। नहीं तू जा, चल जा। उल्टी बात हर समय यार, बहस जैसी नहीं है। तो चल बेटे मैं भी आ रही हूँ तेरे पीछे पीछे। अरे भाभी जी, भाभी जी। जी भैया। नमस्ते। नमस्ते, कैसे? वो तो है नहीं अभी घर पे। अरे वो नहीं है, कोई बात नहीं, वो भाभी जी कल निकलना है वैसे भी ऑडिशन के लिए, तो मैं सोच रहा था कि आपको कुछ सिखा दिया जाए। मुझे? हाँ तो वो आ जाते फिर देख लेते। अरे तो वो आते रहेंगे, आपको सीखना ही दो, कल तो वैसे भी जाना है आपको ऑडिशन के लिए। अच्छा हाँ, तो आप चलिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है, मैं नहीं चाहता कि मुंबई जाके आपका कुछ बिगड़े। और रागिनी ठीक है तू? हाँ दीदी, वैसे मैं तेरे पास आ ही रही थी। अच्छा हाँ, वैसे आजकल ये कैसे, किस लिए आया है ये? ये इन्हें स्टूडियो खोल दिया है, तो वो लेके आए थे, तो वो ये बोले कि तू पिक्चर में वो डाले। मैं नहीं, नहीं मुझे नहीं करना, तो फिर हीरोइन बनाने की कह रहा होगा, तेरा ऑडिशन लेने आया होगा, मैं समझ गई। चल मेरे सामने ले ले ऑडिशन।
मैं भी देखूं कैसा देखूं। मैं तुम्हारे सामने क्यों लड़ूं? तुम डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कौन हो तुम? मैं सब कुछ हूं, इस गांव की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। तो अपने घर जाके बनो ना, यहाँ क्यों फालतू बातें करते आ जाती हो? मैं इस गांव में बनूंगी और मैं इस गांव की प्रधान भी बनने वाली हूँ, समझ में आ गई ना? प्रधानी किसी और बचाना देख, मेरी बात सुन, तू चुप रह। अगर अपना घर बचाना है तो ऐसे छिछोरों से अलग रहे। उस बेवकूफ को भी समझाया था तेरे पति को मैंने, लेकिन उसने तो मेरी एक मानी नहीं। अब जैसा तुम लोग करोगे वैसा भरोगे। अभी भी पैर रागनी सुधर जा, देख ले। अब भाभी जी मैं जाऊं, आपको हीरोइन बनना है या नहीं? दो रोज भेजिए यहां से रैली हो, लेकिन इस लालच में तू अपनी मट्टी खराब कर लेगी और उसकी भी करवा लेगी साथ में। अरे नहीं सोनिया दी, तुम ना तुम भी बन जाओ ना। पागल है तू? मुझे हीरोइन ही बनना होता तो मैं इस जैसों के पास आती। तो मैं जैसी, तुम जैसी को हीरोइन कोई बनाएगा भी? अरे मैं इस गांव की प्रधान बनने वाली हूं, कुछ ही दिनों में इलेक्शन आने वाले हैं, तो उससे पैसे थोड़ी ना कमेंगे। अरे दुनिया मेरी बात मानेगी, उंगली पर नाचेगी? कैसी बात कर रही है? मुंबई जाओगी, मुंबई में अगर देखो तुम्हारा ना, अगर तुम फिल्म में अगर रह गए। दो पैसे के लालच में क्यों अपनी मट्टी खराब करवाना चाह रही है? मान जा अभी भी समय है, इस लपके को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। अच्छा एक बात बता, तेरा ही घर क्यों मिला इसे? गाँव में इतने सारे घर है नहीं, और या फिर शहर से, गाँव से शहर भी है दूर दूर जाके, जब ऐसा ही बड़ा ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनना है, आँख निकालना है, डंडा कर दूंगी तेरी आँखों में, बता रही हूँ। जाओ तुम यहाँ से भैया, इस गांव की जिम्मेदारी मैं कोई गलत काम नहीं होने दूंगी। अभी भी बनता मान जा, बता रही।